गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे हो। सो गाइस, मैं शिवरात्रि के मौके पर अपने गांव आया हुआ हूँ। सो घूमने जा रहे हैं, शिवरात्रि के मौके पर मंदिर जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मंदिर है, हमारे इधर का फेमस मंदिर है। ये कहते हैं वहाँ पर 5 पांडवों ने शिवलिंग स्थापित किया था। सो गाइस, दिखाने चलते हैं आपको कैसा मंदिर है, चलते हैं। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं मंदिर। क्राउड है, काफी क्राउड है। सो चलते हैं अंदर। कुछ भी नहीं है, भीड़ वगैरह इतनी नहीं है जितनी हम टेंशन ले रहे थे। हम जानते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर। देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। चलते हैं भाई, लाइन सर स्नान करो भाई। भाई लोग अपने गंगा जल चढ़ाएंगे। भाई भाई की शादी होने वाली है। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस, हम बहुत ज्यादा लेट आए। इस टाइम 12 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे से भीड़ होती है, 12 बजे के बाद खत्म हो जाती है। सो हम लेट आए इसलिए भीड़ नहीं मिल रही। छोटे पंडित जी, भैया क्या नाम है आपका? अनीस। गाइस काफी ज्यादा क्राउड आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है इधर। भाई देखो भाई, क्या पीरा किया क्या आपने? अरे कहना क्या चाहते हो, कहाँ से हो? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस, हम लाल लाइन में लग चुके हैं और हमारा जल चढ़ाने का नंबर बस आने ही वाला है, तो आपको दिखाएंगे जल कैसे चढ़ाते हैं। तो चलो आगे, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा हमें, थोड़ी देर में हम जल चढ़ा देंगे, भीड़ खत्म होने वाली है। दर्शन करने के लिए गए थे तो ज्यादा भीड़ के कारण उन्होंने वीडियो शूट नहीं करनी थी हमें, हो गए ठीक ठाक दर्शन, हो गए हमारे, ज्यादा भीड़ है। हमारे भाई की मन्नत है, कुछ धागा बांध रहे हैं। मेरे को भाई ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया भाई, वो मतलब धागा बांधते हम पिघल बड़ा पहुंच गए हैं भोले बाबा मंदिर।
इधर से खास व्यू नहीं आ रहा क्योंकि भोले बाबा सामने से दिखते हैं, तो इसलिए मजा नहीं आ रहा इधर से वीडियो शूट करने में। सामने से देखते हैं, वीडियो शूट हो जाती है तो अच्छी तरह। अच्छा व्यू वैसे तो मेरे को लग रहा होगा, पर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरा दोस्त व्लॉग स्टार्ट करने वाला है, इसका व्लॉग देखो आप भाई बना। चल दिस इज माय दीपक। तो पार्क में काफी हरियाली है। ये कौन सी कटिंग है? निंजा कटिंग। कुंडी लगा लो सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती है। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। सो मैं काफ़ी थका हुआ था क्योंकि हमें 3-4 घंटे लगे थे वहाँ पे, मतलब घूमने फिरने में, दर्शन करने में। मेरे और मेरे फ्रेंड काफ़ी थक चुके थे, तो इसलिए मैं रात को सो गया था। तो इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। सो इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय।